सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी विद सुधीर और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अलग ही टॉपिक की। और जो हमारी एक बुक है इंडिया वाली वो कंप्लीट हो चुकी है और जो दूसरी जो बुक है वो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला चैप्टर आता है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, इस चीज़ की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो पिछली जो क्लास थी प्लस वन, उसके अंदर हमने जो ज्योग्राफी जो पढ़ी है उसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी, उसको बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। और उसके अंदर हमने पढ़ा है लैंड, सोयल, वाटर और क्लाइमेट, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। और फिर आते हैं ह्यूमन एक्सपेक्ट, ह्यूमन एक्सपेक्ट आते हैं। और ह्यूमन एक्सपेक्ट के अंदर हम ह्यूमन एक्सपेक्ट की भी बात करूँ, जैसे कि हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके अंतर्गत हम स्टडी करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट की, ह्यूमन जो सेटलमेंट है इसकी स्टडी करते हैं। और इसकी स्टडी के अंदर हम देखते हैं कि जहाँ पर हमने जो सेटलमेंट है बसा रहे हैं वहाँ की लैंड कैसी है, सोयल कैसी है कि एग्रीकल्चर के लिए, वाटर पीने का पानी जो अवेलेबल है या नहीं, क्लाइमेट कैसा है, ये सभी जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। और इन इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है इसकी, इसका अध्ययन करना, इसका जो अध्ययन करना है रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन एक्सपेक्ट इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी, इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये कहलाती है हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी। ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब दो आते हैं हमारे, एक तो है रेड जेल, याद रखना रेड जेल, रेड जेल याद रखना, रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस। इसलिए बताया गया है कि जो मानव का जो रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी, जो सोसाइटी है, जो समाज है उसका, और पृथ्वी की जो सरफेस है उसका एक अध्ययन करना, ये कहलाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर उन्हीं की लड़की थी एलन सी सेपल कहती है कि रिलेशनशिप बिटवीन रस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ, कि मतलब जो मानव के जो प्राकृतिक जो गतिशील जो मानव है वो और अस्थिर जो पृथ्वी है, इन चीजों का अध्ययन, ये कहलाता है ह्यूमन ज्योग्राफी। ये सारी चीजें हैं वो कहलाती है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। और फिर अब बात करेंगे हम कि जो नेचर है वो कई बार शक्तिशाली रहा है, जो प्राचीन जो समय है उसके अंदर जो शक्तिशाली है वो रहा है। जैसे आपने प्री हिस्ट्री टाइम के अंदर बताया है कि जो मानव है वो नेचर की से डरता था या उसकी पूजा वो करता था, इस तरह से वो करता था। और जो आज जो मॉडर्न जो टाइम है उसके अंतर्गत जो मानव है लगातार प्रकृति का किसी न किसी रूप में यूज कर रहा है। जब आवश्यकता होती है तब तो करना चाहिए, जब नहीं होती तब भी हम जो प्रकृति है उसका इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। तो जो पहली जो चीज आती है हमारे इसके अंतर्गत वो आती है नेचुरलाइजेशन ऑफ वुमन, कि मतलब जो प्रकृति है, जो मानव वो जो प्रकृति है वो ज्यादा शक्तिशाली होती है कंपैरिजन में किसके, मानव के, जो प्री हिस्ट्री टाइम है। तो इसके अंतर्गत जो बात करते हैं वो करते हैं हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, जो प्राचीन जो समय था उसके अंतर्गत जो मानव है उसकी बात करते हैं। इसके अंतर्गत आपको नाम से स्पष्ट होता है कि जो नेचर है वो ज्यादा पावरफुल रहा है। इसके अंतर्गत एक चीज और बता देता हूँ आपको, यहाँ पे जो सोसाइटी थी, जो लोग रहते थे वो इकट्ठे रहते थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, तो यहाँ पे जो सोसाइटी जो मिलती थी वो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, प्रिमिटिव सोसाइटी।
चलिए दूसरी चीज बात करते हैं, प्रिमिटिव सोसाइटी के साथ साथ यहाँ की जो जो डेवलपमेंट थी या जो टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट थी वो काफी लो ही थी। और यहाँ पे क्या क्या लगता था कि जो मानव है वो नेचर की सुनता था, लिसन टू नेचर, तो वो नेचर की सुनता था तो उसे डरता भी होगा, तो अफ्रेड, तो मानव उसे डरता था। जब मानव जब किसी से डरते हैं तो हम उसकी पूजा भी करते हैं, वर्शिप। और जब वो डरता था और उसकी पूजा करता था तो उसने इसको एक नया नाम दिया, वो था मदर नेचर, मदर नेचर, क्योंकि उसको हर एक जो चीजें थी वो प्राप्त हो रही थी किससे, नेचर से। जैसे हमें आज अपनी जो माँ है उसे हर चीज प्राप्त होती है, तो इसको बोलते हैं उसने मदर नेचर। फिर इसने एक चीज और लाया, इसने इसमें एक चीज थी कि जितनी हमें आवश्यकता होती थी हम उसी का ही इस्तेमाल करते, स्टेट ऑफ नेसेसिटी, स्टेट ऑफ नेसेसिटी, ये चीज याद रखना। इसको स्टेट ऑफ नेसेसिटी के नाम से भी जाना जाता है कि जब जरूरत पड़ने पर ही नेचर का जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा। फिर आते हैं और इस स्टेट को या इस फॉर्म को पूरे को बोला जाता है इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म। ये जो पूरी थी इसको मैं एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म के नाम से इसको जाना जाता है, कई जगह नेचुरल डिटर्मिनिज्म भी आपको देखने को मिलेगा। ये चीजें थी। अब बात करते हैं दूसरे दूसरी साइड में इसके, जो आज मॉडर्न जो मॉडर्न जो टाइम है उसके अंदर इसको बोला जाता है, उसके अंदर आप पढ़ेंगे हम ह्यूमन ह्यूमनलाइजेशन, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब यहाँ पे नेचर इसमें जो पावरफुल होगा वो मानव होगा, कौन होगा, मानव। इसके अंतर्गत जो बताई गई है जो चीजें जो बताई गई कि इसके अंतर्गत तो क्या थी कि स्टेट ऑफ नेसेसिटी थी, कि मतलब जो लोग हैं वो जरूरत पड़ने पर ही करते थे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ थी फ्रीडम, स्टेट ऑफ फ्रीडम। जब हमें फ्रीडम मिलेगी तो हमारे पास जो रिसोर्स है उनके इस्तेमाल करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका भी हम ज्यादा विकास करेंगे। तो यहाँ पे जो जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वो भी होना शुरू हुआ या हाई हुई, इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक पॉइंट में इसका याद रखना, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल, ऑफ नेचर लॉ, सॉरी नेचर लॉ। जैसे एक एक पॉइंट होता है फ्रिक्शन, कि जो फ्रिक्शन है उसे हमने पता चला, या फ्रिक्शन की जो प्राचीन जो समय था उसमें मानव ने दो पत्थरों को घिसना शुरू किया तो उससे क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ, और फ्रिक्शन की वजह से फायर का, फायर एक नई चीज आई, आग का आविष्कार हुआ, जो फायर है ये देखने को मिली, तो फ्रिक्शन देखने को मिला। दूसरी चीज आती है कि डीएनए, कि जब हम डीएनए से पता लगा सकते हैं कि वो चीज कितनी पुरानी है या कौन सी जो बीमारी है वो हुई, तो इससे क्या हुआ, जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलपमेंट होने के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी, कि जो हेल्थ फैसिलिटी थी वे भी इम्प्रूव हुई, वो भी क्या हुई, इम्प्रूव हुई। और एक नेचर ऑफ एरोडायनामिक, नेचर ऑफ एरोडायनामिक है ये आए, और इसकी वजह से हम जो फास्ट जो प्लेन है क्या एरोडायनामिक मिक्स इसके साथ आए हमारे एरोडायनामिक डायनामिक्स, और इसकी वजह से हम क्या करने लगे कि जो फास्टेस्ट जो प्लेन थे हमारे, जो फास्टेस्ट जो प्लेन थे वो बनाने लग गए, और जो जहाज हैं वो उड़ाने लग गए, एरोडायनामिक्स की वजह से आने लगे, और जो बड़े बड़े जो जहाज हैं वो उड़ाने लग गए हम। फिर इसके बाद एक चीज और आती है, वो आती है कि जब डेवलपमेंट हुआ और इस डेवलपमेंट के साथ एक चीज और आई, वो थी कल्चर, कल्चर डेवलपमेंट।
इसके साथ ही एक चीज आई थी कल्चर डेवलपमेंट, और जैसे यहाँ पे एनवायरमेंट डिटरमिनिज्म था, तो यहाँ पे जो आई थी जो थी वो थी स्टेट ऑफ पॉसिबिलिज्म, कि स्टेट ऑफ पॉसिबिलिज्म, पॉसिबिलिज्म कि हम हमारे जो मन में जो आएगा वो हम करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि हमारे मन में जो आएगा हम वो करेंगे, इस तरह की जो चीजें हैं वो बताई गई थी। और अब क्या हुआ कि मानव ने देखा कि हम लगातार जो प्रकृति है उसका लगातार ही इस्तेमाल है, जो यूज हम करते रहेंगे, तो इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला, इन दोनों के बीच का भी एक रास्ता निकाला, और जिसे न्यू डिटर्मिनिज्म के नाम से जाना जाता है। ये भी चीज आप याद रख सकते हो कि उसको न्यू डिटर्मिनिज्म के नाम से जाना जाता है। और उसके अंदर बताया गया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर हमें कंट्रोल करना चाहिए। तो इसमें बताया गया न्यू डिटर्मिनिज्म आया, और इसका मतलब हम इसे कह सकते हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, गो डिटर्मिनिज्म। और इसकी जो थ्योरी जो दी थी वो दी थी ग्रिफिन टेलर ने, जो ग्रिफिन जो टेलर थे उसने दिया था, और इसको बताया था एक तरह से ट्रैफिक लाइट, उसने ट्रैफिक लाइट का जो एग्जांपल है वो देके हमें समझाया था कि जो ट्रैफिक लाइट है उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे पहले थी रेड का मतलब स्टॉप, आप रुक जाए। सेकंड थी येलो, कि आप वेट करें। फोर्थ आती है ग्रीन, कि आप जा सकते हैं, गो। देखिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ आसानी से, जो न्यू डिटर्मिनिज्म था ये दोनों के बीच का एक रास्ता था, और इसमें कहा गया स्टॉप एंड गो, कि आप रुक जाएं। जिनका आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उन पे तो आप कंट्रोल करें, और जब नेचर आपको कहे तो ही आप उनका जो इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। इसको बोला गया था गो। इसकी जो अवधारणा है वो किसने दी थी, जो ग्रिफिन जो टेलर है उसने इस चीज़ की जो अवधारणा है वो दी, और इसका जो एग्जाम्पल है वो बताया उन्होंने ट्रैफिक लाइट से, कि जो ट्रैफिक लाइट्स की तरह होना चाहिए कि रेड, जब रेड लाइट आ जाए, या मतलब जब ज़्यादा खतरा, या मतलब जो नेचर है उसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाए, तो हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए और उसको रोक देना चाहिए, ताकि जो आने वाली जो भावी पीढ़ी है सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो भी हो सके। येलो का मतलब कि आप रुके, उन चीज़ों के लिए रुके कि जिनकी आपको अभी आवश्यकता नहीं है, उसका अभी विकास नहीं करें। ये चीज़ ग्रीन, जब प्रकृति आपको उन चीज़ों के लिए अनुमति दे तो ही आप जो डेवलपमेंट है वो करें, ताकि क्या उसके कि जो डेवलपमेंट है वो हो पाए। इन चीज़ें, ये जो सारी चीज़ें हैं वो बताई गई थी, और ये जो पार्ट वन है हमारा उसके अंतर्गत है। पार्ट टू के अंदर हम बात करेंगे, हमारे दो टॉपिक और बचे हैं उनके, इसके जो क्षेत्र हैं, इसके जो सब्जेक्ट हैं, या जो फिर उप क्षेत्र हैं उनकी बात करेंगे, और कुछ टाइम पीरियड भी हैं उनकी भी बात करेंगे अगले जो पार्ट होगा हमारा उसके अंतर्गत। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।